वैष्णवे नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदत्तई प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंदों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु कैसे श्री प्रताप राजम को ऊपर में कैसे महाप्रभु ने कृपा किया है और उन्होंने उनको ये दिखाए जब श्री महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे राजा ने दर्शन किया आनंद आया है लेकिन एक विषय पर दुखी हो गए। किस विषय पर? सारा शरीर में धूल धूसरित है, मुंह से पानी गिर रहा है, मुंह से लाल टपक रहा है, हैं? सारा शरीर अस्त व्यस्त, इसको देख करके थोड़ी सी बोली ये क्या है लोग है। लेकिन जब उन्होंने रात को सो गए श्री जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने जो जो भाव श्री महाप्रभु जी के चरण में दर्शन कर रहे थे वही वही चीज उन्होंने श्री जगन्नाथ जी में दर्शन किया। जब जगन्नाथ जी को स्पर्श करने जा रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ क्या बोले बोले ने मेरे को मत छुआ कर। बोले क्यों? मैं तो राजा का बेटा, तेरे शरीर में अंगूर कर्पूर चंदन और क्या क्या तुम लगा कर रखे, मेरे शरीर देखो कैसे धूल धूसरित है, मुंह से लाल टपक रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, इसलिए तो राजा का बेटा तो अपवित्र हो जाओगे। फिर उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा जगन्नाथ जी का स्थान पर महाप्रभु को देखा। फिर उनको विश्वास हो गया ये महाप्रभु कौन है, ये सचल जगन्नाथ है ऐसा क्या। फिर उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे दिन आकर के उन्होंने बोले त्राही त्राही कृपा सिंधु सर्वजीवनाथ मोई पात गिरे कर सुख दृष्टिपात। महाप्रभु को स्तुति कर रहे बोले प्रभु त्राही त्राही मेरे को अब त्राण करो, मेरे को उद्धार करो। क्यों? बोले कृपा सिंधु, आप कृपा की सिंधु, मेरे सारे जीवों का नाथ आप ही हो, मैं तो अत्यंत गिरे हुए पतित व्यक्ति ही, इसलिए मेरे ऊपर में आप शुभ दृष्टि मेरे ऊपर में करो। इतने में से चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हाउ को तुमार कृष्ण कार्य बिना तुम्ही ना करी यार। महाप्रभु आशीर्वाद दिए हैं। क्या आशीर्वाद दिए? बोले देखो तुम्हारे अंदर में कृष्ण भक्ति हो, अभी कृष्ण काम छोड़ कर और कुछ करना नहीं, महाप्रभु का आदेश है। इसलिए कुछ कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का उड़ीसा के लोग है ना महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु आकर हमारे उड़ीसा को बिगाड़ दिया, क्योंकि पहले से राजा थे उड़ीसा का जो राजा है ना बड़े प्रताप राजा, उनका जो राज्य था गोदावरी तक है दक्षिण देश तक राज्य था, बहुत बड़ा विस्तृत राज्य था,
लेकिन जब उन्होंने कृष्ण भक्ति में आए, यहाँ के लोगों के ना, जब उन्होंने कृष्ण भक्ति में आए, अभी जब कृष्ण भक्ति की रंग किसको पर चढ़ जाए ना, फिर तो चढ़ना दूजा रंग उसको पर, फिर कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए तुम लोगों को फिर चढ़ गया थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा चढ़ चढ़ गया तो, और घर बार मकान भाई बंधु सब दुनिया को ठोकर मार करके कहाँ पर आ गए, पास वृंदावन में आ गए, जगन्नाथपुरी आ गए। इसलिए महाप्रभु को, इसलिए वो कहते हैं जब महाप्रभु महाप्रभु को धरा में से राजा आए, फिर उनको राजकार्य अच्छा ही नहीं लगा है, इसलिए उन्होंने राजकार्य ठीक से देखा नहीं, तो सब लोगों ने धीरे 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 अपना राज्य में मिला लिया, और उड़ीसा अभी छोटा रह गया है, इसलिए कुछ कुछ ले लोग कहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं। भगवान की भक्ति करने से कोई राज्य जाता है, इसलिए क्योंकि जो राजा प्रताप रुद्र को स्वयं इंद्र तुम राजा थे, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर को स्थापन किया है, इसलिए महाप्रभु को लीला में मदद करने के लिए तबल वो आए हुए थे। इसलिए देखो आज से कृष्ण कार्य बिना तुम्हें ना करीवार, महाप्रभु का ही आदेश है, आज से जो कुछ करना कृष्ण दे, रहना तो उनके लिए, पहनना तो उनके लिए है, सोने तो उनके लिए है, चलना तो उन्हीं के लिए, काम करना तो उन्हीं के लिए, रोसे बनाना तो उन्हीं के लिए, अभी जो कुछ करोगे, जत स्नासी जत जोश जत ददासी जत जोश, अभी सब कुछ किसके लिए करो, भगवान के लिए सारे काम करो, तुम्ही सार्वभौम आर रामानंद आय राय तिनेर निमित्त मोई आयिल वेता, किसके लिए आए, मतलब तुम तीनों व्यक्ति के लिए आया, किसके लिए, एक तो श्री राम राय रामानंद राय उसमें गवर्नर, वो भी महाप्रभु का भक्ति में है, महाप्रभु सबको पागल बना दिए जो गवर्नर थे, और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी महाप्रभु को, महाप्रभु ने जब उनको सर्वज रूप में दर्शन दिया, बस अभी तो महाप्रभु का ही नाम रूप गोर लीला महाप्रभु में ही रह गए, क्यों पता चला, वही जगन्नाथ अभी श्री महाप्रभु रूप में वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरा पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बदली जह तमं प्रपद्ये, वो समझ गए, वही पुराण पुरुष जो भगवान जगत में कृष्ण भक्ति को शिक्षा देने के लिए अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में जगत में ये आए, समझ गए ये चीज, इसलिए बस तीनों जो मेन व्यक्ति था ना महाप्रभु का भक्त, इसलिए महाप्रभु ने जहाँ जहाँ गए ना सब बड़े बड़े व्यक्ति को पकड़े, जब बड़े बड़े व्यक्ति को पकड़े ना जो छोटे व्यक्ति आपने भागे उसमें है, अगर राजा अगर भक्त बन जाएगा प्रजा तो बन ही जाएगा, राजा जब तिलक लगाए कंठी धारण करे हरि नाम जप करे ना भले राजा कर रहे, प्रजा अपने आप करना शुरू कर देगी है, प्रजा अपने आप करना शुरू कर देगी, इसलिए कहते केवल तुम तीनों को साथ में मिलने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन महाप्रभु ने राजा को एक आदेश दिया, क्या आदेश दिया, बोले देखो महाप्रभु को कृपा किया ना, महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ है ये चीज को दिखाया, बोले देखो मैंने जो तुम्हारे पास में ये प्रकाश किया हूँ, मैं स्वयं कोई भगवान हूँ, लेकिन ये किसी व्यक्ति को तुम बोलना नहीं, अगर किसी व्यक्ति को तुम बोलोगे ना फिर मैं पूरी में नहीं जाऊंगा, पूरी छोड़ करके मैं फिर और अन्यत्र कहीं चली जाऊंगा। इतने में चैतन्य महाप्रभु अपना गला का माला श्री राजा को दिया है। अभी राजा अभी क्या करते हैं, अब पहले तो जगन्नाथ जी की सेवा पे जब ध्यान करते थे, अब जगन्नाथ क्या नहीं करते, अभी किसको करते हैं, महाप्रभु, वो समझ गए ना, वही अचल जगन्नाथ अभी सचल जगन्नाथ रूप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में आए हैं, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए यहाँ पर एक भजन भी है, मन कहना गौर कथा, उसके बाद में गौर नाम अमियार धाम दाता, इसलिए महाशयन गौर स्वपन गौर गौर जीवन हार, इसलिए यार माध्याय गौरांग राखी, इसलिए कहते हैं अपना जीवन को क्या कर देनी चाहिए, केवल गौर 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 और कुछ नहीं, बोलो तो गौर कथा, सुनो तो गौर कथा, आचरण कर तो गौर कथा, सब खबर, क्यों कारण क्या है, कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौर प्रेम रसा नवे से तरंग जेबा डूबे से राधा माधव, जो महाप्रभु को गौरव
प्रेम रसार नवे, महाप्रभु का रस समुद्र में जो व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तथा अपने आप राधा कृष्ण प्रेम में अपने आप निकल जाते, अपने आप निकल जाओ। इसलिए विशेष करके कलयुग में क्या करनी चाहिए, केवल महाप्रभु की कथा सुनो, महाप्रभु की कथा बोलो, सब कुछ अपना जीवन महाप्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि को ही अपना जीवन का सर्वस्व बना देनी चाहिए। अभी राजा पूरा महाप्रभु की चिंता में डूब गए और महाप्रभु को हर तरह से महाप्रभु और उनको जो भक्त लोग थे उनको ही अपना जीवन बना दिया उन्होंने, और खूब भक्तों का सेवा करते, सब भक्तों की सेवा करते हैं। बोले एक दिन श्री गौर सुंदर नर हरि निभृते बसिला नित्यानंद संग करी। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नरहरि और श्री नित्यानंद प्रभु को लेकर के उन्होंने एकांत में बैठे। प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामती सत्वर चलह तुमी नव दिवपति। क्या बोले, बोले नित्यानंद तुम जल्दी जल्दी कहा नवद्वीप, जल्दी जल्दी जाओ नवद्वीप। बोले क्यों, बोले प्रतिज्ञा करिया अच्छी निज मुखे मूर्ख नीच दरिद्र भाषा एव प्रेम सुखे। भाई ये प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है, पृथ्वी अच्छी नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मर गाई गाई वे गति। एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी में सारे नगर गांव में सर्वत्र मेरा नाम गुंज उठेगा, सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए मेरे आई भविष्यवाणी है, अभी ये भविष्यवाणी को कौन पूरी करेगा, कौन इच्छा पूरी करेगा, महाप्रभु को बलदेव। इसलिए जगन्नाथ जी पहले कौन आते, बलदेव प्रभु आते, क्यों वो संधि शक्ति के अधिष्ठात्र देवता है, यही नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु क्या करते हैं जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार करने वाले। इसलिए हम अपना गुरुदेव को क्या मानते हैं, अभिन्न नित्यानंद, अभिन्न नित्यानंद बोल अभिन्न बलदेव मानते हैं। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जैसे श्री बलदेव कृष्ण जगन्नाथ से अभिन्न होते हुए भी, इसलिए श्री प्रभुपाद ये बात को कहते हैं क्या सब गुरुदेव क्या अभिन्न नित्यानंद प्रभु है, अभिन्न बलदेव प्रभु क्या सब गुरुदेव। बोले नहीं, बोले कौन है, बोले जो बलदेव प्रभु का जो आदर्श को जीवन में अपनाते। बोले क्या आदर्श बलदेव प्रभु का, बोले इनका आदर्श है जैसे अभिन्न होते हुए भी उन्होंने 10 शरीर से जगन्नाथ की सेवा कर दी, सारे जगन्नाथ का वस्त्र माला पादुका सिंहासन उनका जनेऊ अलंकार वस्त्र सब श्री बलदेव प्रभु अभिन्न होते हुए, और करते क्या पांच रसों से सेवा करते। इसलिए कृष्णा सेवा छोड़ करके बलदेव प्रभु का कोई काम ही नहीं, उनका सारे चेष्टा है हम श्री जगन्नाथ जी को कैसे हम प्रसन्न करें, कृष्ण को हम कैसे खुश करें। इसलिए कहते हैं कौन गुरुदेव अभिन्न नित्यानंद प्रभु, बोले जो नित्यानंद प्रभु का आदर्श को अपना जीवन में जो आचरण में लाते हैं, मतलब हर समय स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, उनकी अनुगत में आने वाले व्यक्तियों को भी भगवान की सेवा में लगाते, ताकि अपना सेवा में लगाते, किसके सेवा में लगाते। इसलिए बोले सदा रतजिनी विग्रह सेवने श्रृंगार आदि आर मंदिर मार्जने करेन नियुक्त अनुगत जने बंदे श्री गुरु चरण। इसलिए गुरुदेव नहीं कहते सारा दिन मेरा ही सेवा करो और किसी सेवा करना है, इसलिए गुरुदेव क्या कहते कि स्वयं ठाकुर को नाम लेते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, ठाकुर को सेवा करते हैं और अनुगत लोगों को भी उसी भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठाकुर का सेवा में। इसलिए यहाँ पर इसलिए बलदेव प्रभु का महिमा को जगत में कौन, श्री कृष्ण महिमा को जगत में कौन प्रकाश करेगा, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं अगर मैंने जो ये आदेश मेरा जो ये भविष्यवाणी कैसे सार्थक करता होगा, अगर तुम यहीं पर अगर रहोगे हैं फिर हमारी वाक्य को जगत में कौन प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए तुम अभी जाओ गौड़ देश में जाओ, जा करके उधर महाप्रभु मेरे वाणी को प्रचार प्रसार करना। बोले भक्ति रस दाता तुम्हें तुम्हें संभरिले
तबे अवतारवाद की निमित्त करिले। इसलिए कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते नित्यानंद प्रभु भक्ति रस धाता, भक्ति रस को देने वाले श्री नित्यानंद प्रभु। अगर तुम खुद को खुद भक्ति दाता तुम हो, अगर अपने आप तुम छुपा करके अगर रखोगे तो फिर भैया जीवों को ये प्रेम कैसे मिलेगा, मिल नहीं सकता है। इसलिए अवध करुणा सिंधु काटिया मुआन, घरे घरे बोले प्रेम अमी अरवा है, बोले आनंद कंद नित्या चांद अरुण नयन करुण छंद, कपूर पूर सघने झूर हरि हरि तनि बोल रे, नटक रंग भकत संग विविध भास रस तरंग, इसत हास मधुर भास सघने धीम दोल रे, पतित कोर जपत गौर दीन रजनी आनंद भोर, प्रेम रतन करिया जतन जगत रे करु धान रे, कीर्तन माज रसिक राज जौवन कनका गिरि विराज, ब्रज विहार रस विथार मधुर मधुर गान रे। इसलिए यहाँ पर श्री यहाँ पर कहते धूलि धूसर धरण ऊपर, कब हूँ लुटत प्रेम गर गर, कब हूँ चलत कब हूँ खेलत कब हूँ अट हास रे, कब हूँ स्वेद कब हूँ खेद, कब हूँ पुलक सोर विभेद, कब हूँ लंप कब हूँ झंप, कब हूँ दीर्घ श्वास रे, करुणा सिंधु अखिल बंधु कलिजुग तम पुरण इंदु, जगत लोचन पटल वचन निताई पुरण आसरे, अंध अधम दीन दुर्जन प्रेम दान करल मोचन, पावल जगत केवल वंचित इराधा बद बल्लव दास। क्या बड़ी बढ़िया भजन लिखा, कमाल का भजन है। बोले अंध अधम दीन दुर्जन प्रेम दान करत मोचन, इसलिए जो अधम दीन दुर्जन सबको नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान किया है, इसलिए कहते हैं करुणा सिंधु अखिल सिंधु बंधु कलि युग तम पुरण हिंदु, जगत लोचन पटल मोचन निताई पुरण आसरे। इसलिए पावल जगत केवल वंचित, यहाँ पर श्री राधा वल्लभ जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले पावल जगत केवल वंचित, नित्यानंद प्रभु तो सारा दुनिया को प्राप्त कराया लेकिन केवल ये अधम श्री राधा वल्लभ दास केवल वंचित रह गए। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री ताऊ भैया की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले तुम तो तुम ही रस दाता, तुम ही संबर लेता रे, तुम तो रस के दाता तुम हो, अगर अपने आप को अगर तुम छुपा करके रखो तो कैसे काम चलेगा हैं? इसलिए ऐसे तुम चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। बोले मूर्ख नीच पतित दुखी जत जन, भक्ति गिया कर गिया सवारे मोचन। महाप्रभु कह रहे हैं देखो जो मूर्ख है जो नीच है जो पतित है जो दुखी है, क्या करो उनको भक्ति दे करके सबको तुम जा करके उद्धार करो। तुम प्रभु आज्ञा मात्रे नित्यानंद, जो महाप्रभु ने आदेश दिया, आदेश देते ही महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के संपूर्ण अपने आप भूल गए। महाप्रभु का आदेश है, क्या आदेश है, जगत में हरि भक्ति प्रचारित हो। बोले परिपूर्ण प्रेम रस नित्यानंद संसारे तारिते करिले न शुभारंभ। कहते नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, कहते परिपूर्ण रूप में, कहते जो प्रेम रस का जो रूप श्री नित्यानंद, अभी ये संसार को उद्धार करने के लिए महाश्री नित्यानंद प्रभु चल पड़े हैं, चल पड़े। इसलिए कभी महाप्रभु का प्रेम कभी नृत्य कर रहे हैं। एक दिन से नित्यानंद प्रभु विष्णु की जो खटिया था उसके ऊपर में नित्यानंद प्रभु बैठ गए। जब बैठ गए सब भक्त लोग को आदेश दिया, सबके भक्त लोग श्री नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया, बड़े सुंदर सुवासित गंगा पानी से अभिषेक किया, उनको सुंदर दिव्य वस्त्र धारण कराया, शरीर में सुंदर उनको श्रृंगार कराया। अभी महाप्रभु बैठे, इतने में श्री राघव पंडित नित्यानंद प्रभु का सर के ऊपर छत्र धारण करके रखे। इसलिए इतने में श्री नित्यानंद प्रभु आदेश दिया, बोले देखो
श्री जो कदम फूल है मेरा बहुत प्रिय है। हमारे विशेष करके इधर जो कदम होता है ना, कई कदम, ये कदम इतने छोटे छोटे है, लेकिन बंगाल का तरफ में इधर भी कहीं कहीं उधर कदम इतने बड़े छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े, क्या सुंदर है, अपूर्व सुंदर, क्या केसर उसको ऊपर में है, बड़े सुंदर कदम, इतने फूल, इतने बड़े बड़े फूल अद्भुत दिखता है। जब कदम पेड़ में फूल लगता है ना, क्या वो पेड़ दिखता है, कदम फूल से भरा हुआ अपूर्व है। नित्यानंद प्रभु का बड़ा प्रिय कदम वृक्ष फूल है, बोले जाओ कदम फूल लेकर के आओ, लेकिन जब बोले कदम फूल लेकर के आओ, इतने भैया बोले अभी तो कदम का सीजन है ही नहीं, एक सीजन होता है ना, जिस सीजन में कदम फूल खिलता है, बोले कदम फूल है ही नहीं, बोले जा करके देखो ना अपना बाग में। उन्होंने जब गए और उन्हें बाग में देखा ना, जो एक वृक्ष होता है जामुल वृक्ष होता है, जो इतने बड़े बड़े फल होता है ना, कुछ दिन पहले आए थे लोग यहाँ पर खाए, इतने बड़े फल है, उन्होंने देखा जामुल वृक्ष में कदम फूल खिला हुआ, आश्चर्य है। नित्यानंद प्रभु का अद्भुत महिमा है, नियम क्या है, कदम वृक्ष में कदम फूल खिलेगा, लेकिन दूसरे वृक्ष में कदम फूल खिला हुआ, इसलिए आश्चर्य हो गए। फिर झटाझट उन्होंने फूलों की माला बनाई, माला बना करके श्री नित्यानंद प्रभु गले में डाल दिया, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इतने में हठात क्या हुआ, एक दमन का फूल है इसमें बड़ी सुंदर सुगंध आता है, बंगाल में मिलता है दमन का फूल, हठात देखा वो दमन का फूल का बड़ा सुंदर खुशबू आ रहा था, बड़ा प्यारा खुशबू, बोले यार दमन का फूल का खुशबू आ जा रहा है, यहाँ तो दमन का फूल है ही नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु रहस्य बताए, बोले देखो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आदेश पालन किया ना, जाओ हरि भक्ति प्रचार करो। अभी श्री बोले नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, बोले महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ पुरी से वो दमन का फूल की माला पहन करके यहाँ आए हैं, क्योंकि हम लोग प्रचार करने के लिए आए, हरि भक्ति को प्रचार करने के लिए आए, इसलिए नृत्य कीर्तन हो रहे हैं, इसलिए महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं देखने के लिए, स्वयं महाप्रभु आए दमन को फूल की माला पहन करके हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं। अगर हम हरि भक्ति जगत में प्रचार करते हैं ना, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाए गुरु हैया तारे, जैसे महाप्रभु का निर्देश, जिसको देखो क्या बोलो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजना कर तो कृष्ण भजन करो, अगर कुछ शिक्षा पाना तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा करो। अगर हम महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार करते हैं, फिर महाप्रभु हमारे साथ में महाप्रभु रहते हैं, और ये महाप्रभु का इच्छा है, क्या इच्छा है, सर्वत्र हरि भक्ति जगत में प्रचार और प्रसार हो। और यहाँ पर महाप्रभु आए हैं, मैं दर्शन कर रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु बोले, बोले सुनो सुनो अरे भाई नित्यानंद शक्ति, जे रूपे दिले ने सर्व जगत रे भक्ति, कहते भैयाओं ध्यान देकर के सुना, बोले क्या सुना, बोले नित्यानंद प्रभु का जो शक्ति, क्या शक्ति है, हैं उन्होंने जगत में कैसे हरि भक्ति को कृष्ण भक्ति को कैसे सब जीवों को उन्होंने प्रदान किया, बोले कौन सा भक्ति प्रदान किया, बोले जे भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते, नित्यानंद हरि तेता पाइला जगते, कहते वो साधारण कोई छोटी मोटी भक्ति नहीं दिया है, उन्होंने दुर्लभ प्रेम दिया, जो भक्ति ब्रज गोपियों का भक्ति है, जिस भक्ति के लिए लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ा, जिस भक्ति के लिए कठोर तपस्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अभी भी लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है, जो ब्रज भक्ति पाने के लिए, जिस गोपियों की भक्ति पाने के लिए, लेकिन वो अभिमान होने का नाते अभी भी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो रही है, इतना दुर्लभ। शंकर भी गोपीश्वर बन करके आए, शंकर जी गोपी रूप धारण किया, अभी शंकर जी चौकीदारी का काम कर रहे हैं। श्री उद्धव जी ब्रज में गुलमलता होकर के जन्म लेने की इच्छा की है, इसलिए ब्रह्मा भी पत्थर रूप में जन्म हुए, इतने दुर्लभ। इसे नित्यानंद प्रभु का कृपा हो तो श्री बलदेव प्रभु का कृपा हो, उन्होंने ये भक्ति देने के लिए जगत में आए, और उन्होंने ये भक्ति जगत को दिया है। महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु
तीन महीना उन्होंने पानी हाट पर आए भक्त लोगों को लेकर के, और महाप्रभु ने बिना खाए पिए कितना बिना खाए पिए प्रेम रस में हर्ष में डूबे रहते थे और पीते थे क्या कृष्ण प्रेम रस वही पान करते हुए वहां पर अपना रहे एक क्षण में है। हाँ, इसलिए एक दिन उनके मन में ऐसी इच्छा हुई है, हम अलंकार पहनना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु इच्छा हुई, मैं अलंकार पहनना चाहता हूँ। और भगवान तो बस इच्छा होते ही उनकी योग माया सारी इच्छा को पूरी कर देती है, है? सो इच्छा पूरी कर देते हैं। इतने में उनकी इच्छा से ही कहते तबे नित्यानंद प्रभु कत दिने अलंकार परित हईल इच्छा मनी। नित्यानंद प्रभु की कुछ दिन में उनकी अलंकार पहनने की इच्छा हुई। जब इच्छा हुई उन्होंने क्या दोनों हाथ में यहाँ पर जैसे होता है ना इतने बड़े बड़े जैसे पहनते हैं यहाँ पर बड़े उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अंगद फिर हाथ में 10 अंगूठी है ना 10 अंगूठी में 10 सोने के हीरे जवाहरात बड़े सुंदर अंगूठी उन्होंने धारण किए है अंगुल में अपना गले में सुंदर हार। यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुबोध सोने का वेश होता है, हैं? सोने का जगन्नाथ का क्या सोने का वेश, इतने मोटे मोटे हाथ, इतने मोटे सोने, और उनको ऊपर में टाहिया बड़ा सुंदर सोने की पता नहीं कितना कोई टाल होगा, हैं? इसलिए कंठे मुक्त हार, बड़े कान में बड़े सुंदर कुंडल है और चरण में बड़े सुंदर नुपुर है और इनमें शुक्ल पट नील पीत वसन भगवान की बड़े सुंदर जग बलदेव प्रभु का जो वसन है नील वसन है और इतने में गले में मालती मल्लिका जूई चंपक फूल की और सुंदर गोरोजना प्रभु सुंदर गले में माला धारण किए हैं और अपना सर पर पगड़ी जैसे कभी कभी यहाँ पहनाते पगड़ी बनाते हैं ना ठाकुर जी बड़े सुंदर पगड़ी माला है माला पगड़ी में सुंदर माला दे करके श्रृंगार किए हुए हैं। फिर रजत प्राय लहो दंड लोहे का दंड धारण किए हुए फिर मुसल हाथ में मुसल धारण किए हुए ये बलदेव प्रभु का ये श्रृंगार बोले सिंगा बेत्र बंसी छात दंडी गुंजा माल सबे धरी लेन गोपाल अंश काल। यहाँ पर कह रहे हैं बलदेव प्रभु का जो ब्रज में रहते हुए श्रृंगार है हाथ में गैया चराते हैं हाथ में उनकी छड़ी है कभी उन्हें बंसुरी धारण करते हैं फिर कभी गैया से दूध निकालने के लिए है रस्सी होता है ना पैर को पैर बांधने के लिए रस्सी है और गले में गुंजा की गुंजा वाला जानते हो उड़ीसा में कैंची का गुड़ी कहते हैं इसलिए उसको कौची कैंची का गुड़ी कहते गुंजा माला इसलिए जैसे और सारे सखाओं के साथ में बलदेव प्रभु जैसे सुंदर श्रृंगार करते हैं ऐसे ही उन्होंने बड़े सुंदर श्रृंगार किया। अभी धारण करते हुए महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में लेकर के गंगा किनारे में भ्रमण कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु जब ये अलंकार धारण किए हाँ पाषंड गजय का सिंह जैसे नित्यानंद प्रभु क्या अद्भुत उनका सुंदर रूप नित्यानंद प्रभु के जब गंगा किनारे में भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ तक भी जो पाखंडी लोग थे वो भी नित्यानंद प्रभु को चरण में प्रणाम कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु को सबके साथ उपहार प्रदान कर रहे थे बोले की भजने की सहने की वा पर्यटने क्षण के ना जाए व्यर्थ संकीर्तन अभिने। इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्या सोते समय क्या सहन समय क्या घूमते समय करते क्या हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 बोले जय हरे राम 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 और एक बार बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्री हरि नाम संकीर्तन की श्री नित्यानंद।
बलदेव प्रभु की हैं। और इसलिए नित्यानंद महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था, बोले जाओ सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करो। इसलिए नित्यानंद प्रभु जाकर के सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। उसी धारा में ही हम लोग भी जाकर के जब जब गाँव गाँव में क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि कथा बोलते हैं। इसलिए हरि कथा बोलते, इसलिए हर समय हमें भी कृष्ण कथा नृत्य कीर्तन में हमें भी उसी में ही हमें डूबे रहनी चाहिए। कहते जेखाने कर नृत्य कृष्ण संकीर्तन तथा ये विहल है कथगत नित्यानंद प्रभु। जहाँ जाते हैं देखो, साधारण भक्त जाकर के स्वामी महाराज गए, प्रभुपाद आए, जगत में इतना भक्ति प्रचार किया हमारे गुरुवर्ग लोग, अगर वही लोग अगर इतना भक्ति प्रचार कर सकते हैं और साक्षात जहाँ बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु, क्या उनका प्रभाव क्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि तथा विहल है कथगत जन, जहाँ नित्यानंद प्रभु अपना भक्तों के साथ में जाकर के कीर्तन करते, कितने कितने लोग कीर्तन में एकदम विभोर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हैं? पागल हो जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु हर समय अपना बाल्य भाव में डूबे रहते हैं। इसलिए कहते एक महीना तक उन्होंने जो बच्चे थे ना नित्यानंद प्रभु के परिवार के साथ में खूब खेले, कहते उन्होंने खाना पीना भी एक महीना तक भूल गए, ऐसे प्रेम में डूबे रहे, खाना पीना सब भूल गए। इसलिए तब कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे, उनको महाप्रभु का एक भक्त था जिनका नाम था गदाधर दास, एक गदाधर पंडित है और एक गदाधर दास, उनकी कथा यहाँ आ गया। बोले गोपी भावे बाज्य नाई गदाधर दासे, निरवधि अपना के गोपी है नवासे। हर समय गदाधर हर समय अपना गोपी भाव में डूबे रहते थे और इसी भाव से और कोई भाव उनका हृदय नहीं। से ग्रामे काजिया छे परम दुर्बार, कीर्तन प्रति द्वेष करे न पार। जहाँ पर गदाधर दास रहते थे उसी गांव में काजी पाजी हैं, वो काजी मुसलमान बड़ा दुष्ट बदमाश हैं, जो हरि नाम कीर्तन करते हैं उनको भक्ति कीर्तन करने नहीं देते थे। इसलिए एक दिन यहाँ पर कह बोले सत्य कृष्ण भाव जार शरीर अग्नि सर्प व्याघ्र तारे लंघित न पर। देखो कितना बड़ी कथा कहते हैं, कितना बड़ी भारी बात है। बोले सत्य कृष्ण भाव है जहाँ शरीर, वास्तव रूप में जिनका शरीर में कृष्ण भाव होता है, भगवान तो स्वयं कहते हैं बड़े सुदर्शन चक्र उसको रक्षा करता है, हैं? सुदर्शन चक्र रक्षा करते हैं। बोले अग्नि सर्प व्याघ्र तारे लंघित न पर, आग में नहीं जलेगा। देखो प्रहलाद को बैठा दिया आग में है, होलिका ने होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। सर्प व्याघ्र जब ध्रुव महाराज जंगल में गए, कहा मेरे पद्म पलाश लोचन, लेकिन उन्होंने शेर को अपना आलिंगन कर लेते थे, सांप को, लेकिन कोई कुछ नहीं करते थे। क्यों? इसके हृदय में ईर्ष्या भाव है, वो प्रभु प्रेम में पागल है, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम भी कभी ऐसे कृष्ण भाव में अगर कभी डूबे तो हमारे भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए चार नाम सुने भय पाए। इसलिए एक दिन जिस काजी जो बदमाश था, जिसका नाम सुनने से लोग थरथर कांपते थे, एक दिन रात्रि में उन्होंने उनको घर में गए, जा करके उन्होंने हरी हरी बोलते बोलते काज वहां पर गए, जा करके गदाधर कहे, अरे काजी बेटा को था बंगला बुझते बात से, अरे बेटा काजी तू कहाँ हो। झाट बोले कृष्ण नहीं छिंड तर माथा, बोलो कृष्ण नहीं तो तेरे तेरे जो मुंडी तेरे जो मुंडा है तुम्हारी जो शरीर सिर है उसको मैं क्या करूंगा, तुम उसको सिर को मैं काट डालूंगा। भाई मैं हिंदी में क्या बोलते, इसको मैं हिंदी में क्या बोलते, उसको छिड़ डालूंगा क्या। इसलिए क्या तुम्हारी छिंद तर माथा, तेरे सर को मैं समझो काट डालूंगा। अग्नि है न क्रोध है काजी हैला भाई, काजी वो तो भी बड़ा दुष्ट था, अरे कौन कह रहा है कृष्ण बोलने के लिए, बड़ा क्रोध से बाहर निकला। लेकिन जब बाहर निकला ना, बोले गदाधर दास देखी मात्र स्थिर हैला, लेकिन जब सामने देखा गदाधर दास उसको देख कर अपने आप चुप हो गया। बोले क्यों? कहते अग्नि सर्प व्याघ्र तारे लंघित न पारी,
जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनको अग्नि व्याघ्र सर्प भी उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बड़े क्रोधित से आया, लेकिन गदाधर पंडित भक्तों को दर्शन करते ही अपने आप क्रोध उसकी शांत हो गया। काजी ने कहा क्या बात है इसलिए तुम आए हो? तो गदाधर पंडित गदाधर दास कह रहे हैं महाप्रभु आकर के सबको उन्होंने कृष्ण नाम दिया, लेकिन तू एक बाकी रह गया, तुमने कृष्ण नहीं बोला। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण बोलेगा उसको सारे पाप को मैं ग्रहण करूंगा। इतने में काजी कहता है बोले हासी काजी बोले सुन दास गदाधर बोले काली बोली बाबू हरि आज जाकर देखो हैं कहते क्या कह रहे हंस करके बोले मैं कृष्ण बोलूंगा लेकिन तुम आज जाओ कल मैं हरि बोलूंगा कल मैं हरि कल बोलूंगा। इतना सुनते ही गदाधर बड़ा प्रसन्न हो गया बोले आर काल के ना कल क्यों तुम्हें आज ही तो तुमने हरि बोल दिया हैं इसलिए तुम्हारे सारे अमंगल दूर हो गया। और श्री गदाधर दास ताली बजा करके नाचने लग गए हैं काजियो गाय इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिस काजी को नाम सुनते लोग डरते थे मुसलमान राजा था लेकिन आज गदाधर दास की कृपा से काजी भी भगवान के भक्त बन गया। ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु और उनका जो गण है सारे दुष्टों को हरि नाम दे करके सबको उन्होंने उद्धार किया। बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की बोले श्री ताऊ भैया की कृष्ण कन्हैया की निताई गौर भ्रमानंदे हरि हरि ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama गौर हरि की।